हाय एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एकदम क्रिस्पी करारी। देखा आपने कितनी अच्छी आवाज इसकी, सुनी आपने? एक मैं टिक्की आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया वाली आलू टिक्की हम बनाएंगे, दिल्ली की फेमस। ये देखा, सुना आपने इसकी आवाज कितनी क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। एक सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपकी टिक्की भी हमेशा कुरकुरी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। दिल्ली में जो फेमस है ना एकदम, बस वो वाली कुरकुरी टिक्की हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं। यहाँ देखिए, हम लोगों ने एक बोल में आधा कप जितना चने की दाल को आधे घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। ये देखिए इस तरीके की दाल भीगकर तैयार हो गई है आधे घंटे के लिए। आप चाहे तो बिना भिगोए भी बना सकते हैं। अगर भिगो के बनाएंगे तो बहुत जल्दी दाल बनकर के हमारी तैयार हो जाएगी, यानी कि हमें दाल वैसे नहीं बनानी है, थोड़ी स्टफिंग के लिए बनाएंगे हम लोग, तो बस इतना ही इसको भिगो लेना है। यहाँ पर हमने कुकर में ऐड कर दी है हमारी दाल और अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी बस हमें इतना ही ऐड करना है कि मान लीजिए कि जो हमारी दाल है ना वो हल्की सी डूब जाए, बस इतना ही ऐड करना है। बिल्कुल भी से ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि हमें दाल नहीं बनानी है इसकी, बस दाल को हल्का सा पकाना है। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ही थोड़ा सा हमें नमक डालना है। अब हम इसमें लगाएंगे लगभग दो सीटियां, दो सीटियों के बाद में पूरा प्रेशर खत्म होने देंगे। और दो सीटियों में जब प्रेशर खत्म होगा तो यहाँ देखिए हमारी जो दाल है वो एकदम खड़ी है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई है, बस ऐसे ही आपको पकानी है। अगर दो सीटी में आपकी दाल नहीं पकती है तो एक सीटी आप और ले लीजिएगा, बस इस तरीके की दाल हमें पकानी है। अब हमने दाल को एक बोल में ऐड कर दिया है। यहाँ पर देखिए आप दाल बिल्कुल खड़ी है, बिल्कुल भी पेस्ट जैसा इसका नहीं बना है, ऐसी ही दाल हमें चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ मटर के दाने लिए हैं, उनको हमने बॉईल करके और क्रश कर लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम स्पून की सहायता से हल्का हल्के हाथ से इस दाल को भी हल्का सा क्रश कर लेंगे। ऐसा नहीं कि हमें इसका पेस्ट बनाना है, हल्का सा क्रश कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसको स्टफ करने में हमें आसानी रहेगी और टेस्ट भी काफी जबरदस्त आता है। तो बस इस तरीके से इसको हल्के हल्के स्पून की सहायता से हम इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने मटर को बॉईल किया और एक स्पून या फोर्क की सहायता से इस तरह से इसको आप क्रश कर सकते हैं, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में इसमें जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ पनीर और इसी के साथ में हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक बारीक काट करके डाल दी है। थोड़ा सा हरा धनिया भी हमने चॉप करके ऐड कर दिया है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। इसी के साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पर आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही में हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आएगा। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, एकदम चटकारेदार स्टफिंग बनाएंगे। और इसी के साथ में हम लोग ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक ना करें क्योंकि दाल में हमने बॉईल करते टाइम भी नमक डाल दिया था ना। अब सभी चीजों को हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ पर बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे और ये लीजिए तैयार है हमारी बिल्कुल एकदम चटकारेदार स्वादिष्ट एकदम टेस्टी वाली स्टफिंग, जो हमारी टिक्की के अंदर जाकर उसका स्वाद दुगना कर देगी। अब यहाँ हम लोगों ने ले लिए हैं दो उबले हुए आलू। आलू को हमने पहले से ही उबाल करके एकदम ठंडा कर लिया है। आप जब भी आलू की कोई रेसिपी बनाए तो आलू को पहले उबाल करके ठंडा कर लें, उसके बाद में आप जब भी कोई रेसिपी बनाए तो इस तरीके से बनाएं। अब हम एक फोक की सहायता से या फिर इसको ग्रेटर की सहायता से आप ग्रेट कर सकते हैं या फिर फोक की सहायता से इस तरह से इसका पेस्ट जैसा बना लें, यानी कि इसमें लम्स ना हो, कुछ इस तरीके का हमको इसको इस तरह से पेस्ट बना लेना है इसका। या तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे, या फिर मैशर की सहायता से इस तरह से मैश भी कर सकते हैं। तो हम फोक की सहायता से इसको मैश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने पूरे मसाले को मैश कर लिया है। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, साथ ही में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा हमने डाला है, ज्यादा नहीं क्योंकि स्टफिंग में भी डाला है ना हमने, तो बहुत ज्यादा मसाला नहीं डालेंगे आउटर कोटिंग में। थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं वो सीक्रेट चीज, तो ये है अरारोट पाउडर। काफी सारे वीडियोस में आपको कॉर्नफ्लावर भी बताते हैं, मतलब कॉर्नफ्लावर आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉर्नफ्लावर से टिक्की बन जाती है, कॉर्नफ्लावर से भी बन जाएगी, चावल के आटे से भी आपकी टिक्की बन जाती है। लेकिन जो एकदम जो हम रोड साइड पे खाते हैं, स्ट्रीट फूड में जो हम लोग खाते हैं ना, उसका जो टेस्ट आता है ना वो अरारोट से पाउडर से ही आता है। तो अगर आपको अरारोट पाउडर मिल जाता है तो आप यही डालिए, क्योंकि एकदम बढ़िया वाला जो टेस्ट आता है, एकदम क्रिस्पी खस्ता जो बनती है ना हमारी टिक्की, वो अरारोट पाउडर से ही बनती है। कॉर्नफ्लावर अरारोट दोनों अलग चीजें होती है, हालांकि दोनों स्टार्च है। तो आपको अगर अरारोट नहीं मिलता है तो आप कॉर्न स्टार्च का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाता है तो आप इसी को ऐड करें, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत बढ़िया भी आएगा और हमारी टिक्की एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ हमने चार बड़े चम्मच जितना अरारोट पाउडर इसमें ऐड कर दिया। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका डो इस तरह से बनाना है कि बिल्कुल चिपचिपा ना लगे। अब इसमें एक बढ़िया सा क्रिस्पीनेस और एक बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच जितना चावल का आटा। अब हम बढ़िया से इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसका हमें आटे के जैसे गूंद कर तैयार करना है, जैसा हम लोग चपाती का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही तैयार करना है। अगर आटा लगाते टाइम आपको लग रहा है कि ये थोड़ा चिपचिपा लग रहा है, अभी भी हाथों में चिपक रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। आटा ऐसा लगना चाहिए कि आपके हाथों में आप बिल्कुल भी चिपके ना। तो बस सभी चीजों को हमने कर लिया है बढ़िया से मिक्स और ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल लग करके तैयार हो गया है।
इसको हमें कोई सेट वगैरह नहीं करना है, रेस्ट नहीं देना है। और ये देखिए इस तरीके का आटा हमने लगाया, हमारे फिंगर पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। ऐसा ही आटा आपको लगाकर तैयार करना है। चलिए अब हमारी टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए हम आलू में से निकालेंगे थोड़ा सा पोर्शन और उसको एक पेड़े की तरह हम बना लेंगे। जितनी छोटी या बड़ी आपको टिक्की बनानी है उस हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम थोड़ा सा मसाला चिपक रहा है हाथ में, यानी कि दो चिपक रहा है, तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं तो नहीं चिपकेगा। और ये देखिए इस तरीके से हम इसको फैला लेंगे, जैसे कचौरी का हमने बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। बीच में थोड़ी सी इसकी कैविटी बनाएंगे और उसमें हम अपनी स्टफिंग को फिल करेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे, बीच में इसकी कैविटी जैसी बना देंगे जिसको हमें बढ़ने में आसानी होगी, और थोड़ी सी स्टफिंग लेकर इसके बीचों बीच डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से कितनी बढ़िया लग रही है अभी भी दिखने में, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चारों तरफ से उठाते हुए इसको इस तरह से चिपका देंगे, और आलू है ना तो बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। और बस अच्छे से इसको प्रेस करेंगे, पहले गोल गोल करेंगे और उसके बाद में इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे चारों तरफ से एकदम बराबर, और बढ़िया से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए और उंगलियों की सहायता से, फिंगर की सहायता से इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। बिल्कुल क्रैक जैसे अभी दिख रहा था ना, ऐसे क्रैक्स नजर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्लैट। और आप इस तरीके से बना ले, या तो आप चॉपिंग बोर्ड पर जो सरफेस है ना उस पर भी आप इसको फ्लैट कर सकते हैं। बस इस तरीके से बढ़िया से हम इसको गोल बना लेंगे एकदम। और ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी टिक्की बनकर के तैयार हो गई है, कितनी बढ़िया लग रही है दिखने में, एकदम मार्केट जैसी लग रही है ना। बस देखिए बस इस तरीके से हम बाकी की टिक्की भी बना करके तैयार करेंगे एकदम बढ़िया, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल क्रैक्स इसमें नहीं होने चाहिए। तो बस ये इसी तरीके से हम और भी टिक्की बना लेते हैं। तो मैं एक और टिक्की आपको बना करके दिखा देती हूँ। बस इस तरीके से आपको पेड़े को फ्लैट कर लेना है। फ्लैट करने के बाद में इसमें बीच में कैविटी बनाएंगे थोड़ी सी, और उसके बीच में हम लोग डालेंगे हमारी स्टफिंग। ध्यान रखिएगा स्टफिंग आपको इतनी भी नहीं भरनी है कि वो निकल के बाहर आने लगे, इतनी ही भरनी है कि उसमें इजिली स्टफ हो सके, बस इतनी ही आपको फिलिंग इसके अंदर डालनी है। और ये फिलिंग का जो टेस्ट है वो इतना बढ़िया आता है, इतना लाजवाब आता है कि आप खाते ही रह जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एकदम जैसे मिलती है ना वहां पे मार्केट में, बिल्कुल वैसे ही आपको लगेगी। तो आप इस तरीके से एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत 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 पसंद आएगी। साथ गेस्ट आता है तो उसके लिए आप जरूर से इसको बना सकते हैं। ये देखिए सारी टिक्की हमने बना करके तैयार कर ली है। चलिए अब इनको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, पहले ऑयल को हमें गर्म करना है। अच्छा, इसमें अच्छी हीट आ रही है, और अब हमने फ्लेम को कर दिया है लो, और अब हम लो फ्लेम पर डाल देंगे हमारी टिक्की को। यहाँ पर आप देखिए जो हमारी टिक्की के जो हमने डाला है, जो हमने ऑयल लिया है ना, वो टिक्की के चारों तरफ आ रहा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा है। बस इतना ही हमें ऑयल चाहिए कि टिक्की चारों तरफ से सिके, ऊपर की तरफ पूरा ऐसे डूबे नहीं। अगर डूबेगी ना तो एकदम से फूल जाएगी, और जिसकी ऊपर की परत है ना वो अलग हो जाएगी, बीच की स्टफिंग अलग हो जाएगी, वो नहीं आएगा जो हमें मार्केट में मिलता है ना, वो बढ़िया वाला टेक्सचर वो नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हमें यही करना होगा कि जो ऑयल है ना वो थोड़ा कम भरे, जिससे कि जो टिक्की का किनारे है ना वो भी बढ़िया से सिक करके तैयार हो, एकदम क्रिस्पी करारे जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। बस हम क्या करेंगे, बीच बीच में इस तरीके से हम स्पून की सहायता से है ना वो ऊपर की तरफ डाल देंगे, जो ऊपर की वाली स्किन है वो कच्ची नहीं रहेगी, एकदम से सिक जाएगी। हालांकि इसको पलट कर भी हम लोग सेकेंगे, अभी फ्राई करेंगे। अभी हमें इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है, जब तक कि नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से गोल्डन कलर नहीं आता है। तो पहले इसमें नीचे से गोल्डन कलर आने देखते हैं कैसे पता चलेगा। यहाँ देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए आप ये जो टिक्की हमारी है ना, इसके चारों तरफ आप देखिए आपको गोल्डन गोल्डन जैसा कलर नजर आने लगेगा। यहाँ देखिए इसका मतलब जो हमारी टिक्की है वो नीचे से सिक करके तैयार हो गई है, यानी कि हल्की अभी सिकी है, कलर हम बाद में ले आएंगे। तो ये देखिए पलट देते हैं, वाओ एकदम बढ़िया हमारी क्रिस्पी करारी टिक्की नीचे से सिक चुकी है। बस अब इसको पलट देते हैं, लग रहा है ना एकदम जो मार्केट में हम लोग खाते हैं तो उनके पास जो बड़ा वाला तवा होता है ना, तो तवे के चारों तरफ वो लगा करके रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही कलर इसका आ गया इस टाइम पर। तो बस आप ऑयल को थोड़ा कम रखिएगा तो आपकी भी टिक्की बढ़िया बनेंगे, और अगर आपने ऑयल ज्यादा डाल दिया ना तो ये ऊपर नीचे दोनों से एक साथ में सिक जाएंगे, वो वाला टेक्सचर नहीं आ पाएगा, जो बढ़िया से टेक्सचर आता है ना वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से लो फ्लेम पर हमने इसको सेक लिया, इसका मतलब जो टिक्की है ना वो अंदर तक से बढ़िया से सिक चुकी है। अब हमें क्या करना है, फ्लेम को कर देंगे हम मीडियम, पहले हमने लो फ्लेम पर सेका था, अब हम कर देंगे फ्लेम को मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा कलर आने तक, दोनों साइड हमें अच्छा सा कलर लेके आना है, इसमें बढ़िया से क्रिस्पी और लाल कलर आना चाहिए ना, तभी तो टिक्की बढ़िया लगेगी दिखने में भी और खाने में भी क्रिस्पी बनेगी। तो बस बढ़िया से इसका कलर आने तक हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई होने देंगे नीचे से। और ये देखिए फाइनली हमारी टिक्की सिक करके तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट लग रही है, मार्केट जैसी, जैसी हम लोग खाते हैं मार्केट में बिल्कुल वही वाला हमारी टिक्की का कलर आया। एक टिक्की मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी टिक्की, एकदम क्रिस्पी करारी, देखकर ये लग रहा होगा ना कि कितनी ज्यादा क्रिस्पी और करारी बनी है हमारी टिक्की, एकदम कुरकुरी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए एकदम तैयार है हमारी कुरकुरी क्रिस्पी करारी खस्ता मार्केट जैसी आलू की टिक्की, जो हमें मिलती है ना जो गलियों में हम लोग खाते हैं, बिल्कुल वही वाली। ये देखिए कितनी करारी और क्रिस्पी हमारी टिक्की बनकर के तैयार हुई है, एकदम परफेक्ट तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है।
बिल्कुल उस तरीके से बनाइएगा, आपकी टिक्की एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार होगी। और ये देखिए इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया लग रही है, अंदर से दिखने में पता चल रहा है ना कितनी टेम्पटिंग होगी। और ये देखिए, सुनी ना आपने इसकी आवाज कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है, एकदम परफेक्ट। ये देखिए एकदम बढ़िया सी सिक गई है हमारी टिक्की, अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिककर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो जैसे हमको ठेले पर मिलती है वैसे हम सेकें, तो इसके लिए हम कटोरी या ग्लास से पहले इसको इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम इसको कर देंगे, थोड़ा सा क्रश कर देंगे और भी ज्यादा, और थोड़ा सा ऑयल डाल करके तवे पर इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी करेंगे। ऐसे ही देते हैं ना मार्केट में, बिल्कुल वैसे ही। तो हमने क्या, तो दोना आप ले सकते हैं या फिर हमने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही इसके ऊपर। दही में हमने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है, चाट में थोड़ा सा चीनी ऐड करते हैं ना दही में, वैसे ही थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी डाल दी है, थोड़ी सी इमली वाली वो खट्टी मीठी सी चटनी होती है ना वो डाल दी है, साथ ही में थोड़ा सा डाल देंगे नमक, और इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला, एकदम टैंगी फ्लेवर के लिए। तो ये देखिए तैयार है हमारी एकदम स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की की चाट, बहुत ही बढ़िया से। तो चलिए एक और हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने लगा ली एक प्लेट, प्लेट में हम इस तरीके से टिक्की और हमारे मसाले डाल करके हमारी बढ़िया वाली टिक्की की चाट बनकर के तैयार हो गई है। और ये देखिए इसकी क्रिस्पीनेस मैं आपको फिर से सुनाती हूँ, कितनी बढ़िया हमारी टिक्की बनकर के तैयार हुई है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है क्रिस्पी करारी टिक्की की, और आप लोग कब बना रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम बढ़िया खस्ता करारी हमारी टिक्की बनकर के तैयार हो गई है। तो आपको कैसी लगी रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।